तो हमें पता चला कि ट्रेन अब हाली शहर से सियालदह के लिए जा रही है, लोकल ट्रेन, मतलब कुछ जा रही है, लिमिटेड जा रही है, और टिकट तो पहले भी रही थी मगर स्टाफ के लिए, स्टाफ के लिए चल रही थी ओनली एट स्टाफ। तो हमें कोलकाता जाने में बहुत प्रॉब्लम था, कार से जाते थे कुछ समझ में नहीं आता था, घूम के आते, तो सोचे कि चलो चल के देखते हैं कि रेलवे स्टेशन से लोकल जा रही है नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो हम लोग भी आज कोलकाता पहुंचेंगे और थोड़ा पैदल वॉक करेंगे कोलकाता में आप लोगों के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ, मैं नीतीश, मैं अमिता। तो आज करते हैं लोकल ट्रेन को एंजॉय। यस, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ आप भी इस कोलकाता के लोकल ट्रेन को एंजॉय कीजिए, बस मिल जाए। यस, वैसे टिकट काउंटर खुला है, ट्रेन मिल जाएगी, थोड़ा लेट होगा बट मिल जाएगी। तो कोलकाता में ह्यूमिडिटी, कोलकाता के अगर बरसात का मौसम है तो बरसात में ह्यूमिडिटी ऐसे भी जनरली रहता है, तो बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो पसीना बिल्कुल भर जा रहा है और चेहरा ना दिखने लायक हो जा रहा है। तो हम लोग अभी चलते जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई टोटो मिला नहीं है, तो पैदल ही पैदल निकल रहे हैं। अगर टोटो मिल जाएगा रास्ते में तो फिर रेलवे स्टेशन तक पहुँचना आसान हो जाएगा, थोड़ी सी ठंडी हवाएं। आधे रास्ते हम लोग आ चुके हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बट 1.5 किलोमीटर ही पसीना बहा के चलना नहा धो के, और बारिश हुआ है तो जगह जगह पानी भी लग गया। ये वेस्ट बंगाल की खास बात है, यहाँ के हर घर के बाहर एक पोखर होता है, एक तालाब होता है, उस तालाब में मछली पालन होता है, मतलब आप निकलेंगे सिर्फ तालाब तालाब ही मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो फाइनली हमें टोटो मिल गया, हम स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आधा दूर आ गए हैं और थोड़ी दूरी स्टेशन बचा है, तो टोटो आधा दूर पैदल चल चुके हैं हम लोग। तो हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, अब देखना है ट्रेन यहाँ से कितने देर में, शायद अभी इमीडिएट ही है। और यहाँ पर देखिए मछली बन रहा है, मछली कट रहा है, तो मछली यहाँ पे हर चौराहे पे मिलता है, अब जहाँ चाहे वहाँ मछली खरीद के बना सकते हैं। यस, अब मैं टिकट ले लेती हूँ, जाने का भी आने का भी, रिटर्निंग भी ले लेती हूँ। हाँ तो टिकट ले लो, या टिकट काउंटर है। हमें टिकट लेने के लिए उस साइड जाना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले फ्लाईओवर से, फुट ओवर से। नहीं, इस साइड भी मिलता है मगर अभी बंद था, एक ही काउंटर चल रहा है, तो हमें उस साइड जाना पड़ेगा, वहाँ से पहले टिकट लेके आना होगा, तब तक ट्रेन निकल ना जाए, बता रहे हैं कि अभी इमीडिएट ट्रेन है, अभी है और 11:30 में। तो आज हम सुपर एक्साइटेड है क्योंकि 1.5 साल के बाद ट्रेन में बैठने वाले हैं, वो भी लोकल, कोलकाता लोकल में, और लोकल आ रही है उस साइड से, डाउन वाली आ रही है। और लास्ट ट्रेन जो हम लोग बैठे थे कोलकाता टू पटना जन शताब्दी में, उसके बाद आज बैठे हैं 1.5 साल के बाद। जो जोश में हम लोग तो ट्रेन पकड़ने आ गए, बट यहाँ की भीड़ देख के लग रहा है कि ट्रेन जो उधर से आएगी पूरे तरीके से फुल होगी और फिर उसमें हम लोग बैठेंगे। 1.5 साल ट्रेन में बैठे, थोड़ा सा डर तो लग रहा है। पहले हैबिट था मेरे को, हम लोग अगर ट्रेन आ रही है, अगर टिकट नहीं है तो टिकट लेके आके बैठ जाते थे, इतना स्पीड में तो पता था कि अभी तो बहुत दिन से आदत छूटा हुआ है ना, तो थोड़ा सा डर सा लग रहा है क्योंकि बहुत दिन बाद ट्रेन में बैठने वाले हैं और वो भी लोकल ट्रेन में, धक्का धुक्की वाला ट्रेन में, धक्का मुक्की वाला ट्रेन में। आप लोग को भी पहले हैबिट होगा धक्का धुक्की बस में चढ़ना या ट्रेन में चढ़ने का, अब वो आदत सबका चला गया है, बट अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि अब ट्रेन भी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, पहले तो हर 10 मिनट में आ जाती थी, अभी 1 घंटे पे आया, तो अगर नहीं इस पे चढ़ पाते हैं तो फिर 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। और ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन में चढ़ने के लिए हम लोग तैयार है। चलन 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 ढुकुन ढुकुन गांधी समाधी चलो 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 अंदर हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल पूरे तरीके से टाइट, पूरा पैक है, जरा सा भी जगह नहीं है कि मैं खड़ी हूँ, पर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगला स्टेशन नहती है, हमें लगा कि थोड़ा सा जगह मिलेगा, बट और भी ज़्यादा लोग आ गए ट्रेन के अंदर, तो बिल्कुल कंजस्टेड हो चुका है, हम लोग बिल्कुल पैक खड़े हैं और हिलने की भी जगह नहीं है, बट फिर भी हिल रहे हैं हम लोग। अगर जो डेली चलते हैं उनको आदत होगा, मतलब ये लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रेन से चल रहे हैं। चढ़ना तो फिर भी आसान है, धक्का दुक्की लेके चल रही है, लेकिन उतरने में जब उतरेंगे कैसे, अगर बीच में उतरना हो तो इतनी भीड़ में उतरना सबसे मुश्किल काम है, जो लोग अंदर बैठे और बीच स्टेशन में उतरना है, क्योंकि चढ़ने वाले ज्यादा उतरने वाले कम है। अगर चलना जाना है तो ठीक है, खड़े रहिए, बीच में उतरना है इसको इसको ढूंढ के उतरना पड़ेगा, पीछे देखिए। तो यही तो मजा है लोकल की जर्नी का। हम लोग बीच से घिसकते घिसकते अपना साइड में आ गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स है, मतलब बीच में पब्लिक कसे हुए थे, अभी थोड़ा धक्का दुक्की ज्यादा, खिड़की के पास आ गए, अब खिड़की के पास आ गए, थोड़ा रिलैक्स है हम लोग यहाँ पे। हाँ तो अभी देखते हैं कब तक खाली होता है, बैरक को क्रॉस करिए नहीं आने वाला, बैरक हो सकता है थोड़ी भीड़ खाली हो जाए, थोड़ा सा भीड़ कम हो, ठीक है अब यहाँ पे नॉर्मल है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, और सिचुएशन देखिए। अभी हम लोग पहुंचे हैं बैरकपुर, और यहाँ पे सामने पब्लिक बहुत दिखाई दे रही है, मुझे लगा था खाली हुए, मुझे लगा जा रहा था। तो ऐसे पब्लिक आ रही है अभी भी, तो खाली होने की कोई उम्मीद नहीं है, हम लोग तो फंसे फंसे पहुंच जाएंगे। वैसे गर्मी ज़्यादा नहीं लगी थी ट्रेन में अंदर, क्योंकि बाहर से भी हवा इसके ऊपर फैन भी चल रहा है, तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, मौसम बाहर ठंडा है, बरसात का मौसम है, तो ये फ़ायदा मिल रहा है, मगर अभी लाइट चली गई थी, बस आ गई थोड़ी देर में, और इस भीड़ में भी इसने रील बना लिया, हमने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल ली, इसीलिए जल्दी से प्लीज़ आप फॉलो कर दीजिए एम एन अन्नपूर्णा पे और एम एन लाइव पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि आने के लिए और भी ज़्यादा भीड़ होगा शाम में, आते समय तो और मतलब वही कहानी होगी ना, चढ़ने को तो चढ़ गए, अब उतरेंगे कैसे, उतरेंगे तो वापस जाएंगे कैसे। लोग जान से खेल करके जर्नी करते हैं, मतलब इस लोकल में जिस तरीके से भीड़ है, जान से खेला आपको ना है कि आते समय इससे भी ज़्यादा भीड़ होती है, तो कैसे लोग लटके हुए, और नहीं ये काम से जा रहे हैं, मतलब सियालदा में काम है, उधर काम नहीं है, तो काम की तलाश में लोग सियालदा जाते हैं, अपना काम करते हैं, फिर वापस शाम को घर आते हैं, तो काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा, बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्क से जाते हैं, रोज का एक दिन का नहीं है, रोज का इनका यही है, रोज जाना है फिर वापस आना है अपना काम करके, और उससे सीट मिल गया, लेकिन मैं अभी खड़ा हूँ ये देखिए, बट अब ज़्यादा देर की जर्नी है नहीं, 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट तुम बैठ सकते हो। हाँ सियालदा आने से दो स्टेशन पहले मुझे जगह मिल गया, नहीं विधान नगर प्रिपरेशन लेना होगा, नहीं तो हम विधान नगर नहीं उतर, पूरा तैयार हो चुके हैं विधान नगर में उतरने के लिए, अपनी नंदन बैठेंगे, आप इधर चला आइए। और अभी भी दो स्टेशन बचा हुआ है, मुझे जगह मिल चुका है, अभी दमदम आने वाला है, थोड़ा और खाली होगा, नहीं जब सियालदा में सब उतर जाएंगे ना हम आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा बैठने का मजा ले लेंगे, बट फिर चढ़ने वाले भी तो आएंगे।
तो बाहर होने लगी है बहुत तेज बारिश। अब हम सियालदह उतरेंगे तो बाहर अगर तेज बारिश हो रही है तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे, हमें रेलवे स्टेशन पर ही बिताना पड़ेगा क्योंकि छतरी लेके तो आए नहीं है। बस देखते हैं वहाँ पहुँच के बता कैब वैब लेके तो कहीं जा ही सकते हैं, और जिस डेस्टिनेशन पर जाएंगे वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होगा, बट बारिश ज़्यादातर तक होगी नहीं मुझे लगता है। तो तकरीबन एक घंटे में हम लोग सियालदह पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से उतरने वाले हैं हम लोग। बाहर बारिश हो रही है तो शीशे पे बहुत ज़्यादा भाप लगा हुआ है तो उसे खोल के मैं आपको बाहर का दिखा नहीं सकता, ये देखिए क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। अब स्टेशन पर उतरते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। ओहो तो फाइनली हम लोग उतर गए, फाइनली हम लोग उतर गए सियालदह रेलवे स्टेशन पे। अब हम लोग बाहर यहाँ निकलेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे इस्लामाबाद। तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, तब तक इस वीडियो के लिए करते हैं बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।